में अमानुष तरह से कत्लखाने ले जा रहे 25 मवेशी सहित आरोपी धरे गए। पुलिस स्टेशन सामने द्वारा जारी नाकाबंदी के दौरान सतर्कता की दृष्टि से वाहनों की जांच के दौरान ट्रक में अवैध रूप से लादकर कत्लखाना जा रहे पशुधन को पकड़ने में सामने पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी शाहरुख रहीम खान उम्र 23 साल सिहोरा तालुका लखनऊ, मोहन रामचंद्र गोलानी 26 वर्ष की आयु में सिहोरा तालुका लखनऊ जिला शिवनी, अनीस इजराइल कुरेशी 55, अनीस अहमद बाबू शेख उम्र 48 वर्ष बदनपुर ओल जमुना घाट जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश, चारों आरोपी साजिशकर्ताओं द्वारा अपने ट्रक नंबर CG04MM5861 में वर्णित घटना की तारीख और समय अनुसार एक भैंस और 24 भैंसे ऐसे कुल 25 मवेशी जिनकी कीमत 2,41,200 रुपए आकी गई, जिन्हें उनके मुंह के चारों ओर रस्सी के साथ बांधकर और उन्हें चारा और पानी दिए बिना जानवरों को अमानवीय स्थिति में कत्लखाने ले जाते पाए गए थे कि तंग जगह में जानवरों को परेशान किया जाएगा। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर ट्रक समेत 27,41,200 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर अपराध क्रमांक 784/21 धारा 11A(ग)(ड)(च) सह कलम 199 मपोका सह कलम 34 अनुसार मामला दर्ज किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर थानेदार मारुति मुलुक के मार्गदर्शन में सफोद तिवारी जांच कर रहे हैं। रात्री नाकाबंदी दरम्यान वाहन चेक करत असताना एक संशयित ट्रक दिसून आलेले, त्याची तपासणी केली असता त्यामध्ये एकूण 25 जनावरे, म्हैस आणि रेडा, एक म्हैस 24 रेडे असे आढळून आले। अतिशय निर्दयतेने त्यांना गाडीमध्ये कोंबून भरल्याच्या परिस्थितीमध्ये ते दिसत होते, त्यामुळं त्यांची त्यांना ताब्यात घेऊन प्राण्यांना निर्दयतेने वागवणे कलम 11(1) प्रमाणे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केलेला आहे। जनावरं सुरक्षित गोशाळेत जमा केलेले आहेत। तसेच त्यामधील 4 आरोपी अटक केले असून गाडीही जप्त केलेली आहे। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।